संपन्न स्टेज का गायन है, संपन्न स्टेज या अभी का गायन है? संपन्न संपन्न स्टेज का गायन है। और महाभारत में जब दिखाते पार्थ और कर्ण को लड़ाई हो रहा है, पार्थ अर्जुन अर्जुन और कर्ण, अर्जुन और कर्ण की जब लड़ाई होती है, कर्ण का उनका रथ गिर जाता है, गिर जाता है, इधर ऐसे ऐसे ये शूटिंग होता है, शूटिंग होता है। ब्राह्मणों की दुनिया में कर्ण कृष्ण और क्राइस्ट इनकी राशि मिलती जुलती है या नहीं है, है? मिलती जुलती है। और पांच पांडवों से कर्ण बड़ा था या छोटा था? बड़ा था। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में पांच पांडव तो छोटे हैं, लेकिन कर्ण के रूप में पाठ बजाने कर्ण माने कान, कान का क्या पाठ होता है? सुनना और सुनाना। तो उसने यही पाठ बजाया, क्या ज्ञान बहुत सुना, सबसे जास्ती कौन सुनता है? ब्रह्म की आत्मा सुनती है। तो बड़े कान वाला है मुसलमानों में। हातिम ताई की जो कहानी आई है उसमें हातिम का साथ ही दिखाया है, वो बड़े कान वाला दिखाया है। बड़े कान वाला कौन सा जानवर होता है? हाथी। वो हाथी का पार्ट है, महारथी का पार्ट है, लेकिन महावीर का पार्ट नहीं है। तो कर्ण कोई दूसरी आत्मा नहीं है। कर्ण किसका पुत्र था? सूरी का पुत्र था। और ब्रह्मा किसका पुत्र था? है सूर्य पुत्र था। तो ये सूर्य पुत्र कर्ण वास्तव में कुंती का बड़ा पुत्र कहा गया है, लेकिन उसने पार्ट किस तरफ से बजाया? कौरवों की ओर से बजाया या सच्चाई की ओर से पार्ट बजाया? कौरवों की ओर से पार्ट बजाया। ब्रह्मा की आत्मा भी अभी किस तरफ से पार्ट बजा रही है? कौरवों की तरफ से पार्ट बजा रही है। वो चाहे तो भी उनका साथ नहीं छोड़ सकता। कर्ण वाली आत्मा कहो, कृष्ण वाली आत्मा कहो, उसने 68 में शरीर छोड़ा, रथ गिर गया। रथ धराशायी हो गया। और जो राम वाली आत्मा या अर्जुन वाली आत्मा, वो रथ पर विराजमान थे। और वो विजयी हो गया। रथों में भी श्रेष्ठ रथ कौन था और कमजोर रथ किसका था?
अर्जुन का रथ मुखर रथ साबित हुआ और कर्ण का रथ कमजोर साबित हुआ, टेम्परेरी रथ साबित हुआ। बाकी दानवीर था कौन? कर्ण। माने ब्रह्मा बाबा दानवीर नहीं थे, थे? ब्रह्मा बाबा दानवीर थे और अंत तक दानवीर रहे, यहां तक कि जब कलकत्ते की दुकान का बंटवारे की बात आई तो ब्रह्मा बाबा ने भागीदार से एक भी पैसे का हिसाब नहीं लिया, जो उसने दे दिया तो ले लिया, नहीं तो राम वाली आत्मा को एक एक पैसे का हिसाब देना चाहिए था। लेकिन दोनों पार्टियों के बीच में झगड़ा हो गया और वो हिसाब नहीं दिया गया, तो राम वाली आत्मा को गरीब घर में जन्म मिलेगा, कंगाल घर में जन्म मिलेगा, कंगालों के गांव में जन्म मिलेगा या साहूकारों के यहां जन्म मिलेगा? कंगालों के यहां जन्म मिलेगा। महारथी और महावीर में फर्क क्या? महावीर सिर्फ भगवान को कहा जाता है, हिंदुओं में महावीर हनुमान को कहा जाता है, जैनियों में महावीर अंतिम तीर्थंकर को कहा जाता है। वास्तव में हिंदुओं के जो 24 अवतार माने गए हैं उनको ही जैनियों ने फॉलो करके 24 तीर्थंकर बनाए लिए, नहीं तो 24 भगवान भी नहीं होते और 24 तीर्थंकर भी नहीं होते, एक ही असली तीर्थंकर है जिसको महावीर कहा जाता है। जो महारथी होते हैं वो हाथी के समान पुरुषार्थ करने वाले होते हैं, संसार रूपी जंगल के शेर नहीं है, वो झुंड में रहने वाले हाथी है। उन हाथियों को माया ग्राहक क्या करती है? खप कर लेती है। लेकिन महावीर को माया रूपी ग्रह हप नहीं कर सकता, वो महावीर एक ही होता है और महारथी ढेर के ढेर होते हैं। जो संगठन बना करके रहते हैं महावीर को भी गरीब का आदि में लिखा है। महावीर को 2500 साल पहले बताया है, उसके 50 साल के बाद महात्मा बुद्ध का जन्म दिखाया है। महात्मा बुद्ध की असली हिस्ट्री मिलती है, महात्मा बुद्ध के समय का जो भी लिटरेचर है, साहित्य है, उस साहित्य में कहीं भी महावीर का नाम नहीं आया है। 50 साल पहले महावीर हुए, 50 साल के बाद महात्मा बुद्ध हुए, तो नाम नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। इससे साबित होता है कि आज से 2500 साल पहले कोई भी महावीर नहीं हुआ,
ये वर्तमान संगम युग की कहानी है महावीर की। और अरे अंतिम नहीं होता, आज के रावण के सर तो निकलते ही रहेंगे आज के लिए। हाँ, एक बना अवतार में बाबा बोलते राम कृष्ण को छोड़ करके बाकी सब जन्मरीय का होता है। हाँ जी, मतलब ये ब्राह्मण और परशुराम वो भी मनुष्य रूप में दिखाता है ना, जो 52 अंगुल है, 5 अंगुल 5 अंगुल 10 अंगुल फिर 5 अंगुल ऐसे करके सिर्फ कितने 52 अंगुल का कितना हुआ, छोटा सा हो गया। वास्तव में इतना कोई मनुष्य होता नहीं है मनुष्य नहीं होता है वास्तव में मनुष्य। अफ्रीका में कौन कहे जाते हैं? अफ्रीका में जो होते हैं वो तो फिर भी बौने बड़े होते हैं, और ये 52 अंगुल तो बहुत ही छोटा हो गया। अगर ऐसा कोई मनुष्य होता तो उसके कुल में ऐसे मनुष्य होने चाहिए 52 अंगुल के, नहीं कोई नहीं है। अरे अरे अगला प्रश्न कर दिया, अंतिम है। हाँ बोलो। है अच्छा, एक एक काम से होगा तो ये अंत होने वाला नहीं है। तमिलनाडु में तमिलनाडु सिर्फ सेलम में ही नहीं है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी है। हाँ, चेन्नई में अभी पिछली बार तो होके आई, तो आपने सिर्फ सेलम को क्यों समझ लिया तमिलनाडु है। हाँ जी जी जी, मेरी मधुबन से संख्या इतनी ज्यादा खुल रही है तो गीता पाठशालाओं में जल्दी जल्दी जाना हो सकेगा। मिनी मधुबनों की संख्या ही 20-21 हो गई, तो गीता पाठशालाओं में बार बार कैसे जाना होगा। आप मिनी मधुबन को जल्दी, आप अपनी गीता पाठशाला को जल्दी से मिनी मधुबन का रूप दे दीजिए। क्या? हाँ, बाबा ने भी बोला है गीता पाठशाला का ऐसा नक्शा बनाओ जो मधुबन जैसा दिखाई दे। क्यों नहीं आवे ने? हाँ बाबा, इनकी कृष्ण है। हाँ? ब्रह्मा से विष्णु होते हैं ना तीन? है, ब्रह्मा से विष्णु तीन होते हैं। ब्रह्मा से विष्णु तीन होते हैं बस, जगत पिता, जगत अम्बा और वैष्णवी देवी, और नहीं होते पता नहीं है। ब्रह्मा तो विष्णु समान सिर्फ तीन ही आत्माएं बनती हैं क्या? तीन बनती है या कम ज्यादा आत्माएं ब्रह्मा तो विष्णु बनती है? पांच ब्रह्मा गए हुए, पंचानन कहा जाता है ब्रह्मा को, चतुरानन कहा जाता है, तो ब्रह्मा 4-5 हो गए। उनमें भी चतुरानन बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि उसका जो चित्र बनाया हुआ है वो आंखों से देखने में आता है। पांचवा मुख कहते हैं काट दिया गया,
देवान अलग कर दिया और आत्मा सिर अलग कर दिया। वो आत्मा आत्माभिमानी बनने के कारण ब्रह्मा की स्टेज में नहीं गाया जाता है। शंकर की स्टेज में गाया जाता है और चित्रण किया जाता है। शंकर का जो विराट रूप है उसमें कितने मुख दिखाई जाते हैं? 5 मुख दिखाई जाते हैं। जो विष्णु का चित्र है उसमें 4 भुजाएं, 4 आत्माओं के 5 चिकित्सक है। और अव्यक्तवाणी में बोला है ब्रह्मा की भुजाएं विख्यात है। तो भुजाएं बाप के बिना कर्तव्य नहीं कर सकती। भुजाओं को चलाने वाला है तो भुजाएं चलती हैं। भुजाएं स्वयं निर्जीव होती है या चैतन्य होती है? भुजाएं सिर्फ भुजाएं सर उड़ा दिया जाए, भुजाएं निर्जीव होती है और अगर उनको चलाने वाला है तो सजीव है। जो विष्णु का चित्र है उसमें राम वाली आत्मा चलाने वाली बन जाती है। विष्णु का सिर है और बाकी 4 भुजाएं ब्रह्मा के साथ सरस्वती और जगदम्बा के साथ लक्ष्मी, ये 4 भुजाएं चलने वाली है। चलाने वाला कोई 5वीं आत्मा अलग है, इसलिए 3 ब्रह्मा नहीं है। कितने हैं? 5 ब्रह्मा के रूप में 5 बजाने वाली आत्मा है। उसी प्रश्न है जगदम्बा जो है उसका अर्थ ही है जगत की अम्बा और ब्रह्मा का अर्थ क्या है? ब्रह्मा ने बड़ी से बड़ी माँ। तो दुनिया की बड़ी से बड़ी माँ प्रैक्टिकल में कौन है? कहाँ ब्रह्मा बाबा हुए? ब्रह्मा बाबा तो अर्थक में ही शरीर छोड़ दिया। सारी दुनिया ने उनको अम्मा के रूप में कहाँ पहचाना? सारी दुनिया जिसको जगदम्बा के रूप में स्वीकार करे वो कौन? वही ब्रह्मा की सोल जो अर्थक मंत्र में शरीर छोड़ती है और कोई माता के चोले में प्रवेश करती है, तब जगदम्बा के रूप में उसकी मूर्ति पूजी जाती है। नहीं तो पुरुष चोला होने के कारण, दाढ़ी उज्ज्वला होने के कारण ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। तो दोनों अलग अलग हैं या एक ही है? पायदारी एक ही है। जगदम्बा कह दो तो ब्रह्मा कह दो, वही जगदम्बा जब स्वभाव संस्कार से तब्दील होकर के विजयमाला की हेड लक्ष्मी के समान बनती है तो दोनों के संस्कार मिलने के कारण उसको महालक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी भी है तो महानारायण भी है। द्वापर में शादी कहा गया
दूसरा नारायण नारायणी होते हैं, उनका माँ बाप होते हैं योग माया, और जो उनका माँ बाप है उनके माँ बाप योग माया नहीं होते हैं, उनके माँ बाप के माँ बाप बीजरूप का भी माँ बाप है। पहले आप ये बताइए पूछना क्या चाहते हैं। अभी दूसरा नारायण नारायणी को इस्लाम धर्म के आधारभूत को कहा गया ना, आधारभूत हाँ जी, जिनका माँ बाप को कहा गया ना माँ योग माया, हाँ उनके माँ बाप यानी उनको जन्म देने वाले माँ जो होती है वो योग माया है। तो उनका माँ बाप जो होता है वो राम की आत्मा है। हाँ जी माता दे ग्रैंड फादर ही तो है, ग्रैंड फादर का भी बाप, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। तो कैसे दो जनरेशन हुआ है, दो जनरेशन हुआ, तीन जनरेशन हो गई, एक नारायण वाली जनरेशन, हाँ। एक नारायण को जन्म देने वाली जनरेशन, हाँ। और जन्म देने वाले की भी जन्म देने वाली जनरेशन, जन्म देने वाले की जो जनरेशन है वो योग माया। हाँ जी उनका भी माँ बाप, जो नारायण को जन्म देने वाली माँ है वो योग माया। वरदान मिला था कि न वो घर के अंदर मारा जाएगा और न घर के बाहर मारा जाएगा। अब हिरण्यकश्यप है कौन ब्राह्मणों की दुनिया में, जो भी सन्यासी है वो क्या है, हिरण्यकश्यप है। वो हिरण्यकश्यप क्या कहता था, भगवान कोई नहीं होता है, भगवान सिर्फ मैं ही हूँ, मेरी पूजा करो। तो जो हिरण्यकश्यप अपने को ही भगवान कहता था शिवो अहम, को ये वरदान मिला कि न मैं घर के अंदर मनू और न घर के बाहर। तो घर क्या हुआ है, तो घर का नहीं, न घर के अंदर मरू न घर के बाहर मरू। अरे सारी दुनिया में आज किसका राज्य है, रावण कौन, ये गुरु लोग, तो उन गुरुओं की लिस्ट में हिरण्यकश्यप आते हैं या नहीं आते हैं, वो सन्यासी उन गुरुओं की लिस्ट में आते हैं ना। तो रावण हो गए, हिरण्यकश्यप को ही रावण का राज कह दिया, सारी दुनिया में किसका राज्य है, हिरण्यकश्यपों का राज्य है। मुसलमानों में इस्लामियों में चले जाओ तो मुल्लाओं का राज्य है, मौलवियों का राज्य है,
हिंदुओं में चले जाओ तो इन सन्यासियों का राज्य है, बड़े बड़े मिनिस्टर कहाँ जाके माथा टेकते हैं सन्यासियों के सामने। क्रिश्चियंस में चले जाओ तो जो पोप है, पादरी है, उनके सामने जाकर माथा टेक देते। तो ये रावण का राज्य सारी दुनिया में फैला हुआ है, सारी दुनिया उनका घर हो गई। क्या हो गई? घर। जो 5000 वर्ष की दुनिया है उस दुनिया में 2500 साल इन रावणों का राज्य चलता है। ये 500 करोड़ की दुनिया उनका घर है, कहीं भी उनकी विजय ही विजय है, वहां कोई उनको नहीं मार सकता। और घर के बाहर क्या है? इस दुनिया के बाहर क्या है? सूक्ष्म बतन हमेशा है, 2000 साल है सूक्ष्म बतन। उनको जब वरदान मिला तो वरदान क्या द्वापर कलयुग में लागू नहीं होता? ये वरदान कलयुग में ही लागू होता है क्या? द्वापर कलयुग में भी ये वरदान लागू होता है ना। तो ये दुनिया के बाहर क्या है? है? दुनिया के बाहर है परमधाम। न वो इस दुनिया में मरते हैं, न परमधाम में मरते हैं। जो मनन चिंतन मंथन की दुनिया बाबा बनाते हैं, सूक्ष्म वतन, वहां मार खा जाते हैं, मारे जाते हैं। और कोई बात न जमीन में मेरे को कोई मार सके, न आकाश में कोई मेरे को मार सके। धरती को कहा जाता है माता और आकाश को कहा जाता है पिता। वही बात हो गई, जो ऊंचे से ऊंचा स्थान जो लोग है उसको शास्त्रों में जावा पृथ्वी कहा गया है। न धरती पर उनकी मौत होगी, न आसमान में मौत होगी। कहां मौत होती है? जो ब्राह्मणों की दुनिया की सूक्ष्म स्टेज कही जाती है, मनन चिंतन मंथन की स्टेज कही जाती है, वहां आकर के मार खा जाते हैं। एक ही बात हो गई, न मनुष्य उनको मार सके और न जानवर उनको मार सके। मनुष्य मन वाले को कहा जाता है, इसका मन चंचल हो, मन चलाए मान हो, बिंदु रूप की स्टेज में टिकने वाला न हो, ऐसे मनुष्य कोई उनको नहीं मार सकते और जानवर भी नहीं मार सकते। जानवरों को तो अकल होती ही नहीं, मनुष्यों में भी जानवर जैसे होते हैं। उनको जानवर कहो राक्षस कहो, वो जानवर संप्रदाय राक्षस संप्रदाय उनके मौत के कारण नहीं बन सकते। कौन बनता है? वो बनता है उनकी मौत का कारण जो मनुष्य नहीं होता है।
जानवर भी नहीं होता है, जानवरों की तरह खूंखार जानवर भी नहीं होता है। कौन होता है? नरों के बीच में सिंह के समान पार्ट बजाने वाला नरसिंहा अवतार कहा जाता है। शेर संसार रूपी जंगल में एक ही दहाड़ मारने वाला होता है, जिसे जंगल के सारे प्राणी घबरा जाते हैं। तो ऐसे नरों के बीच में संसार रूपी जंगल में ज्ञान की ऐसी दहाड़ मारने वाला न वो जानवर है और न वो मनुष्य है, उसके द्वारा मारा जाता है। गीता में भी यही दिखाया है, महाभारत में भीष्म पितामह इसके द्वारा मारे गए है। एक हंडी तो बीच में था, मारा किसने? अर्जुन ने मारा। अर्जुन ने भी नहीं मारा, वास्तव में अर्जुन के अंदर बुद्धि किसकी काम कर रही थी? भगवान की बुद्धि। कृष्ण तो नाम दुनिया वालों ने रख दिया है। न दिन में न रात में, सत्युग त्रेता रूपी दिन है ब्रह्मा का और द्वापर कलयुग रूपी ब्रह्मा की रात है। न सत्युग त्रेता में मारा जाता, वहां तो हिरण्यकश्यप होता ही नहीं, मारा जाने का सवाल ही नहीं। और द्वापर कलयुग रूपी रात जो ब्रह्मा की गाई हुई है, उसमें भी वो मारा नहीं जाता। दिन दूना रात चौगना प्रभाव उसका बढ़ता ही जाता है संसार में। कब मारा जाता है? है? जब संगम होता है रात और दिन का, तब मारा जाता है। ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, जहां इन हिरण्यकश्यपों की मौत होती है। हाँ, न किसी अस्त्र से मारा जाता है और न किसी शस्त्र से मारा जाता है। क्या क्या अस्त्र शस्त्र से मौत होती है? क्या स्थूल मार थे? क्या कोई स्थूल तलवार थी मारने के लिए? नहीं, तो ज्ञान के बाण है जिनसे मौत होती है। अनिश्चय बुद्धि रूपी मौत हो जाती है। ऐसा वरदान भगवान से लिया है, ये गलत लिख दिया है। माता नाम लिखा है विशाल माता, विशालाक्षी माता। भगवान से वरदान नहीं मिलता है हिरण्यकश्यप को। जितने भी विधर्मी हुए हैं वो सब विधर्मी भगवान से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ते हैं, भगवान से दीक्षा लेते हैं, भगवान से वरदान लेते हैं या गुरुओं से वरदान लेते हैं, चाहे वो चंद्रवंशियों में से हो
चाहे वो इस्लाम वंशियों में से हो, इस्लाम और मुस्लिम वंशी होंगे तो मुल्ला मौलवियों से वरदान लेते हैं, दुआएं लेते हैं। किसके वंशियों में से होंगे? पोप और पादरियों से वरदान लेते हैं। अगर चंद्रवंश के होंगे तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा से वरदान लेते हैं। शास्त्रों में ब्रह्मा से वरदान लेते हुए दिखाया गया है हिरण्यकश्यप को, भगवान से वरदान नहीं मिलता। ब्रह्मा भी जब शिव प्रवेश होता है तब तो ब्रह्मा कहा जाता है। है शिव जब प्रवेश होता है तब तो ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक बात है। शंकर तो नहीं कहा जाता है? शंकर नहीं कहा। और भगवान जो है जब इस धरती पर आता है तो जिस बच्चे को आप समान भगवान भगवती बनाता है वो ही बाप समान कहा जाता है या ब्रह्मा बाप समान कहा जाता है? जो भगवान बनता है, भगवान भगवती का टाइटल लेता है वो ही भगवान कहा जाता है। इसलिए नेक्स्ट टू गॉड ब्रह्मा को नहीं कहा, नेक्स्ट टू गॉड प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड शंकर, नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड नारायण। ब्रह्मा को गॉड के नेक्स्ट नहीं कहेंगे, गॉड का वारसदार नहीं कहेंगे। बिना शिवा सिर्फ ब्रह्मा को उतना ताकत आ गया हिरण्यकश्यप वरदान है। बिना शिव के सिर्फ ब्रह्मा को उतना ताकत आ गया हिरण्यकश्यप। बिना क्या? बिना शिव के। हाँ शिव के बिना। हाँ सिर्फ ब्रह्मा को ही उतना ताकत है क्या वरदान देने के लिए? तो ब्रह्मा बनता कब है? ब्रह्मा कहा किसको जाता है? शिव प्रवेश करता है तो ब्रह्मा कहा जाता है। तो कब बात है क्या? ब्रह्मा के वाक्यों को पत्थर की लकीर कहा जाता है, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, कम बात है क्या? ब्रह्मा भी कोई कम हस्ती नहीं है। अगर बाप सर्वशक्तिवान है तो माया के साथ और कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? माया रावण भी सर्वशक्तिवान है। जैसे रावण को हाथों में वेद शास्त्र दिखाते हैं वैसे ब्रह्मा के भी हाथों में वेद शास्त्र दिखाते हैं। रावण दशमुख वाला है तो रावण का बाप कौन है? रावण का बाप है देह अभिमान। देह अभिमान अभी भी जो देह अभिमान रूपी गधा है वो अभी भी पार्ट बजा रहा है किसी तन के द्वारा। ये बार बार ज्ञान जल से स्नान किया जाता है और बार बार देह अभिमानी की मिट्टी में लौट जाता है। सारा किया कराया सब, जैसे बाबा ने बोला कोई 5 मार से नीचे गिर गया तो किया कराया प्रसाद सारा चौपट हो जाए। ये भूतनाथ है। क्या है? भूतनाथ। मुसलमानों ने उसका नाम दिया है जिन्नाथ, जैनियों में उसको नाम दिया है जिन्न। जिन्न के बच्चे क्या कहे गए? जिन्न।
तुम बच्चे क्या पुरुषार्थ करते हो? तुम बच्चों को काम मिला हुआ है। क्या काम मिला हुआ है? जिन्न के मिसल चढ़ो और जिन्न के मिसल उतरो। नहीं तो जिन्नात क्या कहता है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जबराइल, हाँ जी हाँ जी, जबर, हाँ जबर माने जबरदस्त। देवी देवता धर्म में जैसे सब आठ राजा ये होते हैं, देवी देवता धर्म में सब आठ राजा ये होते हैं, हाँ ऐसा दूसरे धर्मों में भी सवाट सवाट अलग अलग राजा। दूसरे धर्म में आप कहाँ से आ जाएंगे? दूसरे धर्म में आप होते हैं क्या जो सजाए न खाए? अभी उनकी सौ की माला होती है। और आज सनातन देवी देवता धर्म की एक तो आठ की माला होती है। तो सवाट की अलग अलग माला बनाएंगे, वो इसलिए बताया कि जो आठ है सबके सब धर्मों के पूर्वज है, वो आठ संगम युग में सबको कंट्रोल करने वाले, उनको आठ दिग्पाल कहा जाता है। चाहे कोई भी दिशा का धर्म खंड हो, पूर्व दिशा का बौद्ध धर्म खंड हो, पश्चिम दिशा का ईसाई धर्म खंड हो, दक्षिण दिशा का अरब देश और अफ्रीकन धर्म खंड हो, इस्लाम धर्म खंड, कोई भी धर्म खंड हो, संगम युग में उन आठों ही दिशाओं को कंट्रोल करने वाले कौन होंगे? ये अष्ट देव होंगे। ये आठ सबके पूर्वज, मतलब वो के साथ ये आठ आठ हो जाता है। हाँ जी। और अब अंतिम हो गया।